असम में रजिस्टर ऑफ सिटीजन के दूसरे ड्राफ्ट के जारी होने के बाद सियासत तेज हो गई है। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इस ड्राफ्ट का विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस ने जहां एनआरसी ड्राफ्ट के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी के नाम पर बंगाली लोगों को टारगेट किया जा रहा है। प्लीज कंसीडर दिस केस फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इफ 40 लाख पीपल आर डिलीटेड फ्रॉम द एनआरसी लिस्ट, हाउ मेनी पीपल विल बी इंक्लूडेड इफ दे आल्सो ट्राई? मेबी 1, 2, 3, 4। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? Where they will go? Whether central government has any rehabilitation package for them? Whether they have decided anything for that? And ultimately, the problem will arise in Bengal. Why? I am telling you. Why Trinamool Congress is interested or my state government is interested? I am talking about my state government. You tell me, ultimately, it is the border of Alipurduar. It is the border of Kuch Bihar. And there are some border Assam with Bangladesh. Ultimately, Bangladesh and Bengal will suffer. ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई लोगों के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट होने के बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, उन्हें सरनेम की वजह से लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ममता ने चिंता जताते हुए कहा कि 40 लाख लोग जिन्हें ड्राफ्ट से बाहर किया गया है वो कहाँ जाएंगे? अगर बांग्लादेश भी उन्हें वापस नहीं लेता तो उनका क्या होगा? If the problem comes to us, we cannot behave like central government politically. Humanity is our subject. We are the human being. Our duty to give human being the protection. Whatever we cannot push back them. Why will push back our Indian citizen? They are very much Indian citizen. They have become refugee because of BJP government. ममता ने कहा कि असम से हमारे राज्य की सीमा लगी हुई है। एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या वे भारतीय नहीं हैं? ममता ने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें कि वे रोहिंग्या नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके नाम लिस्ट में नहीं वो उन्हें वापस नहीं जाने देंगी, बंगाल उन्हें शरण देगा। So I will send the MP's team also in Assam. Even myself, I am going to Delhi. So if I get the opportunity, I'll meet the Home Minister also. And after that, we will be in touch with these victims. But all the connections are closed. But let us keep in touch with them. I do not know how, but let us try. अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।